ऐसे वीडियोस देखकर धड़कनें आपकी तेज हो जाती होंगी और रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। अपने भतीजे की शादी में नाचता हुआ ये शख्स अच्छा खासा दिख रहा है, 5 सेकंड में मौत की नींद सो गया। उधर पानीपत में एक 10वीं क्लास का बच्चा सिर्फ 100 मीटर की दौड़ लगाने के बाद जमीन पर गिर गया और उसकी जान चली गई। हुसैन, आजकल जो इस तरह के तमाम वीडियोस लगातार आ रहे हैं, ये वाकई बहुत ज्यादा डराने वाले हैं और देश भर में डरा भी रहे हैं, क्योंकि देश में इन दिनों हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर 1 लाख लोगों में से 272 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत दिल की बीमारी के चलते हो जा रही है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिस तरह सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे देखते हुए सिर्फ दिल को दोष देना सही बात नहीं है। ना तो हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, ना दूसरों से मेल जोल बढ़ाते हैं, और जिंदगी की भागम भाग में तनाव इतना बढ़ गया है कि लोगों ने खुद के साथ साथ दिल को भी तन्हा कर दिया है। जबकि रिसर्च ये बताती है कि छोटी छोटी आदतें दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, जैसे रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करना 14% आप दिल को सेहतमंद करता है, खुश रहने से 22% तक दिल की बीमारी का जो खतरा है वो कम हो जाता है, रोजाना सिर्फ 10 मिनट अगर मेडिटेशन कर लिया जाए उससे भी हार्ट रेट बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, और देखिए कार्नेगी मिलान यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी हुसैन यही कहती है कि दूसरों की मदद करना भी हार्ट के लिए संजीवनी का काम करता है। इस तरह से 45% तक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज होती है, उनका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए पूजा हम कह रहे हैं कि तन्हा रहने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमारे साथ जुड़ने की। बिल्कुल, और इन छोटी छोटी बातों को अगर हम रूटीन का हिस्सा बना लें और कमजोर दिल के लक्षणों को पहचान कर जरूरी उपाय कर लें तो 80% तक दिल की बीमारी का खतरा कम हो सकता है। लेकिन पूजा, सारी दिक्कत तो यही है, लोगों को समझना चाहिए और लोग समझने को शायद तैयार नहीं। देखिए, पश्चिमी देशों के मुकाबले भारतीयों को जिंदगी में कम से कम 10 साल पहले दिल की बीमारी होने लगती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बिल्कुल हुसैन, और देखिए कुछ लोग दिल का हाल समझना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग समझ कर भी नहीं समझना चाहते और कुछ लोग समझ नहीं पाते। जैसे कि मैं बार बार खुद से ही सवाल करती हूँ कि आखिर दिल की सेहत का अंदाजा हम कैसे लगा सकें कि दिल हमारा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। प्रिया, ये सवाल तो मेरा भी है और मेरे जैसे कई और लोगों को भी ये सवाल है। वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका दिल कमजोर है या सेहतमंद, ये पता कैसे चले। खैर, बेफिक्र हो जाइए, आज के बाद ये सवाल ना आप करेंगे ना हमारे दर्शक करेंगे, क्योंकि आज स्वामी रामदेव तमाम तरह के कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। लोगों को उनके दिल के बारे में खुद स्वामी जी बताएंगे, न सिर्फ हाल बताएंगे बल्कि दिल की हर बीमारी का समाधान क्या है ये भी आज सबको मिल जाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको हुसैन भाई, प्रिया जी, पूजा जी। और देखो, हम यहाँ हार्ट को तंदुरुस्त रखने के लिए थोड़ा बहुत हलचल ऐसे सुबह से ही शुरू करना शुरू करवा देते हैं कि आप सिद्धकोणासन, चक्की आसन, गोमुख आसन से शुरू कीजिए। और किसी भी कारण से चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, अब ये छोटा सा बालक अनिल जो आपको लिटा हुआ दिखाई दे रहा है, यदि ये योग की क्षण में ना आता तो हो सकता है हमेशा के लिए ही सो जाता। अब इसका 90 किलो वेट था, 7 दिन में 81 आ गया। अब इसके हार्ट को मजबूत बनाने के लिए हृदय बस्ती हो रही है। मेरे दाहिनी ओर जितने भी यहाँ पर ये साधक योग कर रहे हैं, इसमें निशिकांत जी हैं, करो करो चक्की घुमाओ। निशिकांत जी 14 गोली लेते थे डेली, 14 गोली। हाँ, और इनको देना भाई निशिकांत जी को, अब ना बीपी की दवा ना शुगर की दवा, और वेट भी कम कर लिया। और इसने विनीत उपाध्याय ने तो 4 दिन में ही 6 किलो। कब से खा रहे थे गोली, करो करो। 8 साल हो गया बाबूजी को। 8 साल से गोलियां खा रहे थे। और यहाँ कितने दिन पहले ही दिन से बंद कर? हाँ, पहले दिन से छोड़ दिया था। ना आयुर्वेद की दवा, ना एलोपैथिक की, कुछ नहीं खाया। तो क्या कर रहे? योगा कर रहा था। हाँ। और आपका बस वो ले रहा था थेरापी। थेरापी जी। अब सारी दवाइयां बंद हो गई जी, और बीपी शुगर नॉर्मल जी। बैठ, अब देखो 14 गोलियां खा रहे थे। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, या तो उनको बीपी है
या तो उनको शुगर है, या तो उनको ओबिसिटी है, या तो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, जेनेटिक रीजन से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर स्ट्रेस से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कोरोना के बाद एक चीज और जोड़ देता हूँ, कोरोना से लोगों का हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो गया, अर्थात स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां, मांसपेशियां, इम्यूनिटी कमजोर हो गई। तो एक तो होता है दिल की बीमारी कि हार्ट में ब्लॉकेज है, किसी को इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, किसी को जो है हार्ट की धड़कन बढ़ गई है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, वाल सिकुड़ गया है, फैल गया है। हम इसको भी ठीक करते हैं कि आपको इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने पर पेसमेकर नहीं लगाना पड़े, आप रोज गोमुखासन से शुरू किया करें अपने अभ्यास। गोमुखासन पूरा नहीं हो पाता तो पहले थोड़ा ऐसे कर लिया करें ऐसे, और अर्जुन की साल दालचीनी तो पिए ही पिए, खाली पेट कार्डियोग्रिट और खाने के बाद हृदयामृत ले अर्जुन की अर्जुनारिष्ट के साथ या अर्जुन की साल दालचीनी के पानी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।